मैं ट्रैक्टर हूं, ट्रैक्टर, और आजकल मैं एक्टर हूं। मैं ट्रैक्टर हूं, ट्रॉली मेरी हम सफर है। दो छोटी छोटी टांगें, दो बड़ी बड़ी जांघें, बड़ा सा सीना, छोटा सा पेट। शहरों में तो मुझे बेकार की ही चीज समझा जाता है। बहुत ज्यादा हुआ तो किसी के मकान का कोई मलबा चोरी छुपे कहीं डालना हो तो सुबह में या रात में देर सवेर में मेरा इस्तेमाल करते हैं, मगर इसका फायदा ये होता है कि बच्चे शहरों के मेरे नाम को जानते हैं, देखते हैं कि मैं कैसा हूं। वैसे शहरों में जो लोग हैं और उनके बच्चे जो बड़े बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, वो मेरे को गांव के लोगों की तरह ही अनपढ़, गवार, जाहिल, बेवकूफ, बेकार सा, घटिया सा, नाकाबिल, नाकारा, किसी काम का नहीं, ऐसा ही कुछ मुझे मानते हैं। क्योंकि मेरे पास में ना एसी है, ना कोई सवारी के लिए बढ़िया सीटें हैं, ना ही कोई बढ़िया सस्पेंशन है, ना ही बढ़िया शॉकर है, ना ही कोई बढ़िया ऐसा कोई म्यूजिक का सिस्टम या कोई बढ़िया चीज़ें इसमें जैसे उनकी कारों में होती हैं। मैं सीधा सादा, काम से मतलब, काम की चीज़ें रखने वाला ट्रैक्टर हूँ, एक्टर हूँ। पर जब कभी ये शहर के लोग मेरे गांव की तरफ आते हैं और किसी गड्ढे में गिर जाते हैं अपनी कार के साथ, तो मुझसे फरियाद करने आते हैं, मेरी खुशामद दरामद करते हैं। निकाल दो ट्रैक्टर जी, हमको निकाल दो यहाँ से। मैं बड़ा सीधा साधा गांव का, खुले दिल का, तो मैं रस्सी बांध के उनकी कैसी भी गाड़ी हो उसको एक झटके से निकाल देता हूँ। मैं कभी इसमें अपना घमंड या गुरूर या कोई ऐसा ईगो नहीं रखता। जितनी बार भी वो गड्ढे में गिरे, मैंने उनको गड्ढे से बाहर निकाल दिया। जब जब मुझे शहरों में ले जाया गया, मैं गया। आपके लिए मैं शहरों में अनाज लेके जाता हूँ, जिससे आपके सैंडविच, टोस्ट, डोनाल्ड, बर्गर, पिज़्ज़ा, केक सब बनते हैं। मैं सब्जी ढो ढो कर आप तक पहुँचाता हूँ, जिससे आपकी बढ़िया बढ़िया सूप और बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनती हैं। मैं खेतों में दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग कभी भूखे ना सोएं। मैं जब कभी किसी राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता होती है तो अपने ऊपर कोई झंडा उनका लगा के शहरों में आता हूँ मजबूरन, और उनकी रैलियाँ सजाता हूँ। मैं ट्रैक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ। किसान मेरा पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मैं उनका भाई हूँ। बाकी और लोग मुझे इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं देते। मेरा रूप लगातार लगातार निखरता जा रहा है। अब मैं बहुत सारे रंग में और बिरंग में आता जा रहा हूँ। कई बार कई पिक्चरों में मुझे दिखाते हैं, हीरो हीरोइन मेरे ऊपर बैठ जाते हैं, स्टाइल मारते हैं, मगर मैं कभी उनका बुरा नहीं मानता क्योंकि पिक्चरों में किसान को दिखाने के लिए मेरा होना बहुत ही लाजमी है। अगर मैं नहीं होऊंगा तो किसान का रूप पूरा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब हल की जगह मैं ही उनका हल हूँ। मैं सेना के भी काम आता हूँ। सेना मुझ पर तोप पर गोले रखकर मैदान में उतरती है। मैं सेना के लिए रसद और सामग्री लेके उन जगह से भी जाता हूँ जहाँ पहुँचना किसी शहरी गाड़ी के लिए बड़ा ही दुष्कर होता है। मैं कभी इस पर घमंड या गुरूर नहीं करता क्योंकि मैं देश का सेवक हूँ, किसान के साथ हूँ, जवान के भी साथ हूँ। जय जवान, जय किसान, मेरा भारत महान। और मैं इस महान कार्य को करते समय कभी भी अपने ऊपर घमंड या गुरूर नहीं करता। मगर जब कभी मेरा किसान मुसीबत में होता है तो मैं उसके साथ देने के लिए दिल्ली आता हूँ, और जब मैं उसका साथ देने दिल्ली आता हूँ तो
तो उसकी रसद लाता हूँ, उसकी छत बन जाता हूँ, उसका बाथरूम बन जाता हूँ, उसका ड्राइंग रूम बन जाता हूँ, उसका मैं खेलने का मैदान बन जाता हूँ। मेरी जो साथी है, हम सफ़र है ट्रॉली, वो उनका घर बन जाती है। मैं उस अपनी जो सहभागी है, ट्रॉली है, जो हम सफ़र है, उसको खींच कर अपने किसान भाई की मदद करता हूँ। आंधी हो या तूफान हो, ठंड हो या बारिश हो या गर्मी हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहता हूँ। मैं हमेशा उसके लिए मर मिटने को तैयार रहता हूँ। जब कभी मेरे गांव वाले का सैर करने का मन होता है, तो मैं उनको कहीं जो उनके धम्म का दर्शन है, जो वो धम्म की मान्यता मानते हैं, वहाँ उन सबको बैठा कर ले जाता हूँ। मैं एक्टर हूँ, क्योंकि आजकल मैं दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में हूँ। भारत में 20-20 किलोमीटर लंबी लाइनों में मैं अपने हमसफ़र, अपने साथी के साथ, अपने भाई किसान के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ा हूँ, अड़ा हूँ और पड़ा हूँ उनके साथ, उनके दुख में, उनके दर्द में, क्योंकि मैं ट्रैक्टर हूँ। मैंने देश बनाया है, मैंने देश चलाया है, मैं देश को बचा भी सकता हूँ। मैं ट्रैक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ।